will discuss about potential due to a charged sphere. Okay, तो sphere जो है वो दो तरह के रहेंगे हम. sphere में क्या होगा, एक होगा hollow sphere और एक क्या होगा सॉलिड स्फीयर. होलो मीन्स आप समझ रहे हो जैसे बॉल होती है हमारी अंदर से खाली, ठीक है, और सॉलिड जो है वो पूरा क्या होगा अंदर से बल्क मटेरियल होगा, भरा हुआ होगा. तो होलो में भी दो स्फीयर्स की बात करेंगे हम जिसमें पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. एक तो होगा हमारे पास कंडक्टिंग या फिर हम उसको बोल सकते हैं मेटालिक स्फीयर, और सेकेंड जो है वो क्या है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको इंसुलेटिंग. होलो मींस वो क्या है, एक तरह की सेल है अंदर से क्या है खाली. सॉलिड स्फीयर में भी दो केस होंगे इसमें, ठीक है, यही सेम कंडक्टिंग या मेटालिक और सेकंड नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, ठीक है. तो ये वन और ये टू, यही सेम जो है वो वन होगा और यहाँ पे क्या होगा टू. सॉलिड में भी दो तरह के स्फीयर लेंगे. इन चारों केसेस में हम क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, किसका स्फीयर का पोटेंशियल. तो देखते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम लेते हैं होलो, ठीक है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, या फिर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लेते हैं, स्फेरिकल सेल्स जो अंदर से क्या हो खाली हो, तो हम कंडक्टिंग या मेटालिक लें, ठीक है. कंडक्टिंग मीन्स क्या है, चार्ज उस पर कंडक्ट करेगा. अगर हम कहीं भी चार्ज रखेंगे वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा. जैसे अगर हमारे पास ये स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग या मेटालिक स्फीयर है, तो इसमें हम कहीं भी इसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया हमने चार्ज यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो वो चार्ज जो है वो कहाँ आ जाएगा, अगर अंदर भी होगा चार्ज तो वो वापिस करके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे. चार्ज कहाँ रहता है, हमेशा बॉडी के सरफेस पे, ये तुम पढ़ चुके हो. और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की होगी, उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो कंडक्टर के अंदर क्या रहता है, जीरो रहता है. इनसाइड द कंडक्टर जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहती है, जीरो रहती है. तो इस पे अगर ये कंडक्टिंग है या मेटालिक है या फिर नॉन कंडक्टिंग भी है, क्योंकि ये सेल खाली है अंदर से, तो इस पे चार्ज जो है, अगर हम इसको जो भी चार्ज देंगे वो इस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है. नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, जैसे ही चार्ज दिया वो चार्ज वहीं पड़ा रहेगा, जबकि कंडक्टिंग में क्या होगा, वो चार्ज कहीं भी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है सरफेस पे, बट चार्ज कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे रहेगा. तो कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर हो या फिर नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग मीन्स इंसुलेटिंग या फिर हम बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है. तो उस केस में चार्ज जो है वो कहाँ रहता है, आउटर सरफेस पे. तो ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है होलो स्फेरिकल सेल में, ठीक है. ये हम केस कर रहे हैं ए केस. तो ए का जो है वो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट है ए के, वन एंड टू, ठीक है. तो इस केस में चार्ज हमेशा क्या रहेगा, दोनों केस में आउटर सरफेस पे रहेगा. तो हम चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं, टोटल क्या है हमारे पास, क्यू वैल्यू है टोटल चार्ज की. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल. तो हम कहां कहां कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल. तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया होगा, ये बाहर कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने कैलकुलेट किया है इनका, स्फीयर का, होलो का भी और सॉलिड का भी. तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल, मीन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वी पे, पी पॉइंट पे, ठीक है. ये है इसका सरफेस का पॉइंट S, तो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कहाँ, V S पे. और ये कोई भी पॉइंट ले लिया हमने अंदर इसके, ठीक है, ये हम ले लेते हैं R. तो हमें पोटेंशियल जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, R पे कैलकुलेट करना है. इन तीन पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. इन दोनों ही केसेस में चार्ज तो बाहर ही रहेगा, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम P. P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो
डिस्टेंस के साथ ये सेंटर है इस होलोस्फीयर का ओ, ठीक है। यहाँ से इसकी रेडियस हम सॉरी ये हम कोई पॉइंट जो है वो कुछ अलग लेते हैं, अलग पॉइंट जो है वो क्या ले रहे हैं हम, कुछ भी हम ले लेते हैं, के ले लिया हमने, तो ये पॉइंट के है। तो ये जो स्फीयर है होलोस्फीयर, इसकी रेडियस क्या ले रहे हैं हम, आर ले रहे हैं। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, पी पॉइंट, ये इस स्फीयर के सेंटर से हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर ले रहे हैं, ठीक है, स्फीयर के सेंटर से। तो देखो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हमें पता है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल पॉइंट पे डिफाइन हम नहीं करते, हम क्या करते हैं ऑलवेज डिफाइन, हम ऑलवेज डिफाइन करते हैं डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें कोई दूसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तो दूसरा पॉइंट जो है वो हम क्या लेते हैं ऑलवेज इनफाइनाइट, इस केस में भी हम क्या ले रहे हैं इनफाइनाइट ले रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट करते हैं पी और इस पॉइंट के बीच में चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें पता है कि इनफाइनाइट पे जो हम एज्यूम करते हैं पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, तो फिर हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू रह जाती है, सिर्फ पी की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पी से इनफाइनाइट वर्क डन करते हैं या फिर इनफाइनाइट से पी क्या करते हैं वर्क डन करते हैं। तो देखो इनफाइनाइट से कहां वर्क डन कर रहे हैं हम, पी की तरफ, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, ये हम पहले भी कर चुके हैं ये केस, ठीक है। तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पोटेंशियल के हमने दो तीन लेक्चर कर लिए हैं। तो इस केस में देखेंगे वी इनफाइनाइट जो है वो क्या अज्यूम करते हैं, जीरो, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या रह जाती है, जीरो। तो वी पी माइनस जीरो हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाता है, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू किसकी आएगी, पी की। नाउ डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, डेल्टा वी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां से डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो भी है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस इस साइड डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस डिक्रीज होने के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया होगा इस होलोस्फेरिकल सेल का इस पी पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला किया है ई पी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला किया है, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है इनफाइनाइट से अगर आर की तरफ आ रहे हैं हम, तो हम कैसा लेंगे, जो डेल्टा वी होगा उसका फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, मान लो ये यहां से यहां कितने डिस्टेंस मूव कर रहे हैं डी आर, तो बिल्कुल इनफाइनाइटली सिमिलरली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है उससे मूव करते हैं, तो हम डेल्टा वी का जो फॉर्मूला है वो क्या लेते हैं, ये लेते हैं। एक तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल आई है, तो हम इसको कुछ भी इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और डेल्टा वी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। तो देखो इस केस में लिमिट जो है वो वर्क डन, ठीक है, ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नोट लेते हैं, तो वर्क डन करेंगे वो सब हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे, कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, और हम वर्क डन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, तो हम लिमिट ले लेते हैं इसकी इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। और वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कोई भी पॉइंट जो है इनफाइनाइट से आर के लिए, ये कोई पॉइंट पी है हमारे पास, सॉरी ये कोई पॉइंट जो है हमारे पास एल है, इस एल पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हम क्या लेते हैं एक्स, तो यहां से इस साइड जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है डी आर वो क्या लेते हैं इस साइड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एल पॉइंट पे देखें हम एट एनी इंस्टेंट, इसमें यहां से यहां मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट से आर तक, तो किसी भी पॉइंट पे
ये एल पॉइंट पे जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो स्फीयर लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है इसका पहले, तो ये एज्यूम करते हैं कि ये जो कंप्लीट चार्ज है टोटल क्यू ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, इस सेंटर ओ पे। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हम पहले कर चुके हैं कैलकुलेट, तो ये आती है एल पे, इस पॉइंट पे एल के ऊपर। ठीक है, ये हमारा एल पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आती है हमारी। तो यहाँ से हम स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी आर है और लिमिट जो है वो क्या लेंगे, इनफाइनाइट से लेके आर तक, क्योंकि हम इसको कहाँ तक कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट तक जो कहाँ है आर डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट से आर लिमिट हमने कर दिया, यहाँ पे वैल्यू जो है वो किसकी होगी, ई एल की। ठीक है, इंटू डी आर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, इनफाइनाइट से आर ई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ नहीं है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर है इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये डी आर। ठीक है, इसको हम ये एक्स ले रहे हैं तो ये भी हम एक्स ही ले लेते हैं, यहाँ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला माइनस, देखो के कॉन्स्टेंट होता है 1 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट। क्यू हमारे पास जो है इसका टोटल चार्ज है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो क्यू भी हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, इनफाइनाइट से आर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये भी हम पहले कर चुके हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 dx, इंटीग्रेशन एक्स की पावर का इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 / -2 + 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है हमारे पास, एक्स की पावर -1 / -1, तो हम इसको राइट करते हैं -1 / x, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, -q/4πε0 है, तो इसको हम -kq लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन जो है 1 / -x लिमिट इनफाइनाइट से आर। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, देखो पहले आर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास -1/r आएगा, -1/∞ क्या होता है, 0, तो हमारे पास एटलीस्ट जो लास्ट वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास, -1/r - -1/∞। तो 1/∞ जो है वो क्या होता है, 0 होता है, तो इस केस में वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास के क्यू बाय आर आ जाएगी। ये वैल्यू डेल्टा पी की यहाँ से यूज करने के बाद डेल्टा पी किसके इक्वल आता है, वी पी के, क्योंकि वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इनफाइनाइट से पी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम ये लेते हैं, तो हमारे पास जो है पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। सिंपली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट किया था वो भी क्या था, के क्यू बाय आर था। तो इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है इस पे ये क्या है, एक सेंटर पे स्फीयर के, होलो स्फीयर के सेंटर पे क्या है, कंसंट्रेटेड मान सकते हैं टोटल चार्ज। ठीक है, ये कैपिटल क्यू, तो फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या आता है ये, और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये आर। अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एस पॉइंट पे, वी एस पे, ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, यहाँ डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर, तो फॉर्मूला क्या आएगा वी एस का, के क्यू बाय कैपिटल आर, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, अगर इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है। नाउ हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट के, ठीक है, और या फिर के की जगह भी कोई अलग पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने के को यहाँ पे क्या यूज किया है, 1/4πε0, तो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं एम, तो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल वी एम। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये वैल्यू, ठीक है, वी पी की, और एक हमारे पास वैल्यू आ गई सरफेस पे के क्यू बाय आर की। अब हमें किसकी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल वी एम का, तो वी एम का कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां से हम वर्क डन कर रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, तो
वर्क डन आपको पता है हम कैसे करते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल में, काइनेटिक एनर्जी सेम रख के, वेलोसिटी सेम रख के। तो देखो इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो वैल्यू आ रही है, पी पॉइंट पे वैल्यू क्या थी के क्यू बाई आर, एस पॉइंट पे क्या है के क्यू बाई कैपिटल आर। बट जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जो है वो क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज रीड कर चुके हो आप, अगर नहीं किया तो ये गोजला में आगे हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये आप पहले रीड कर चुके हो, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो, जबकि इस एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, रेडियस आर पे, इस एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे ही इसके अंदर आते हैं हम, ये सरफेस पे है, जैसे ही इसके अंदर आते हैं किसी भी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, किसी भी पॉइंट पे चाहे वो यहां हो कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, एकदम से चेंज हो जाती है। तो ये जो हम कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, जैसे इसके अंदर आते हैं एकदम से जीरो चेंज हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फंक्शन है, ये वेरिएबल है हमारा जो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ये जो कंटिन्यूटी है यहाँ ब्रेक हो जाती है जैसे ही हम अंदर आते हैं, तो फंक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस का, ये एकदम से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यूटी ब्रेक, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाता है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम ये इंटीग्रेशन यूज नहीं करते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसके अंदर की पॉइंट जस्ट इस सरफेस के ऊपर पॉइंट जो है इस साइड उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसके अंदर कहीं भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो हम इसके जस्ट थोड़ा सा इनफाइनाइट सिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर कोई पॉइंट एम है यहाँ से ये, ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है वो हम कुछ भी कुछ भी ले लेते हैं, इसकी डिस्टेंस जो है वो हमने ले ली आर एम, ठीक है, ये जो रेडियस है यहाँ से डिस्टेंस आर एम है, ये जो पॉइंट लिया है हमने, ध्यान से देखो इसको, ये जो पॉइंट लिया है हमने इस पॉइंट पे, ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट इसके इनसाइड है बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, और ये पॉइंट हमने कुछ भी ले लिया एन ले लिया, ठीक है। तो डायग्राम मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर क्लियर नहीं है तो, इस पॉइंट पे सरफेस पे वी एस की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब इस पॉइंट को हमने जस्ट इनसाइड जो है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या लिया है, एन, और यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, एम लिया है, ठीक है। तो हम जो है वर्क डन वो इन दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करेंगे, एम और एन के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एम और एन के बीच में, क्योंकि इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड कंडक्टर क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इस केस में देखो बिल्कुल इजी है, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन दो पॉइंट्स की, तो डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, वर्क डन हम कहां से काम कर रहे हैं, एन से एम तक, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे हम, वी एम माइनस वी एन, वी एम माइनस वी एन किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर के, ठीक है, जो भी फॉर्मूला है हमारा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। बट हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड जो है वो क्या रहता है, जीरो, तो हम यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस जीरो डॉट डी आर। तो हमें पता है कि टोटल जो है इसका फॉर्मूला ये क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो इस केस में वी एम जो है इसको इस साइड ले जाएगी, किसके इक्वल आएगा, वी एन के इक्वल आएगा। तो ये जो एन पॉइंट है जस्ट हमने इसके इनसाइड लिया है सरफेस पे, ठीक है,
तो जस्ट इनसाइड लिया है सरफेस पे, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो है वो सरफेस पे या इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या रहती है, के क्यू बाय आर रहती है। ठीक है, अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे टी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो वी टी जो है वो क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, जो इस पूरे स्फीयर की रेडियस होगी। तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इस स्फीयर के अंदर हुल्लो स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल था हुल्लो स्फेरिकल सेल के लिए। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल जो है वो किस केस में, सॉलिड के केस में। सॉलिड में एक तो होगा कंडक्टिंग स्फीयर और एक होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो कंडक्टिंग के केस में तो वही आएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वही सेम आंसर आएगा। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, देखो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या फर्क है, इसमें अगर ये हम क्या ले रहे हैं कंडक्टर, तो इस पे जो सॉलिड स्फीयर है इस पे अगर हमने कोई भी चार्ज दिया यूनिफॉर्मली तो ये कंडक्टर है। ये सारा चार्ज जो है ये कंडक्ट होके, चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सरफेस पे। तो ये कंडक्टर के केस में ये कंडक्ट होके सारा चार्ज जो है वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे, और फिर उसके जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल जो है वो आउटसाइड द पॉइंट क्या रहेगा, के क्यू बाय आर रहेगा। अगर इस पी पॉइंट पे निकालेंगे तो के क्यू बाय इसकी जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर वही रहेगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में जितना भी चार्ज देंगे हम इसको, इसके अंदर भी चार्ज देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो ये सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। तो फिर इसके जैसा ही सेम केस होगा, बट इस केस में जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इंसुलेटिंग है या फिर डाइइलेक्ट्रिक है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास स्फीयर जो है उसमें चार्ज हमने दे दिया कहीं भी तो वो वही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे। ठीक है, और सरफेस पे भी है। ओके, तो ये डाइइलेक्ट्रिक है, इसको हमने चार्ज दिया है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे क्या है, चार्ज है, वो कंडक्ट होके कहां नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा। कंडक्टर के केस में क्या होगा, सॉलिड में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा बट इसके अंदर रहेगा। तो देखो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल पी पॉइंट पे जो कि इस सेंटर ओ से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। इसकी रेडियस जो है वो हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर, जैसा उस केस में लिया। तो हम डिफाइन करेंगे वी पी कितना होगा, वी एस जो है वो कितना होगा, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे एम पॉइंट पे वी एम जो है वो कितना होगा। ठीक है, किस केस में है, ये डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो सॉलिड स्फीयर है उस केस में। तो क्या करेंगे हम, पी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल हम सेम मेथड यूज करेंगे, यही दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, यही सब कुछ करेंगे। तो यही वैल्यूज आएंगी, ऐसे ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि टोटल जो चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड मानते हैं, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने कैलकुलेट किया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पी पॉइंट पे क्या आया था, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, ई पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, के टोटल चार्ज क्या है इसका, क्यू बाय आर स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी पी पॉइंट पे। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा सरफेस पे वो हमारे सॉरी पी पॉइंट पे वो कितना आएगा, के क्यू बाय आर। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वी पी वो कितना आएगा हमारे पास, के क्यू बाय स्मॉल आर, क्योंकि पी पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस क्या है ये। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल सेम इसी की तरह ही आएगा, के क्यू बाय आर। ऐसे ही सरफेस पे आएगा, सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाय
कैपिटल आर, ठीक है, बट इसके अंदर इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इनसाइड एम पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वी एम जो है वो क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो क्या है सारे के अंदर है इसमें कंप्लीट, इसमें से अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर ये हमने डिस्टेंस जो ली है वो क्या ली है, आर एम ली है, ठीक है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एम पे वो आपने पहले कैलकुलेट किया होगा फॉर्मूले में, क्या वैल्यू आती है उसकी, के क्यू, जो ये डिस्टेंस है आर एम का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर की क्यू, हाँ सॉरी आर एम बाय कैपिटल आर की क्यू, ये आपने डिफाइन किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन कंडक्टिंग के केस में, ठीक है, जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने ली होगी सिग्मा का यूज करके, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद चार्ज जो है वो इतने वॉल्यूम में इसकी रेडियस के वॉल्यूम में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की क्यू, ये आपने पहले कैलकुलेट किया, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था सॉलिड स्फीयर का डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल किस पॉइंट पे, इसके अंदर, तो पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के केस में पोटेंशियल क्या होगा, तो हम वही चीज यूज करने वाले हैं जो हमने कहाँ यूज की है, इसमें यूज की है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट इनसाइड क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जो कि कहाँ होगा, यहाँ एन पॉइंट होगा, ठीक है, वही सेम चीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फंक्शन एकदम से क्या होगा, चेंज होगा, उस केस में ये तो हम नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड वो जीरो नहीं रहता, तो हम एक पॉइंट जो है वो सरफेस का ही ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक एम और एक जो है हमारे पास क्या है एस पॉइंट, तो डेल्टा वी जो है चेंज इन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होता है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ हम किन किन पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल, डेल्टा वी जो है किस किस के बीच में, एस और एम के बीच में, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है चेंज इन वो क्या आएगा, वी एम माइनस वी एस, ठीक है, इक्वल किसके आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ है, ये आर लिमिट है, आर से कहाँ मूव कर रहे हैं, एम पॉइंट की तरफ, ठीक है, तो एम पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, एम पॉइंट जो है वो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये आर एम हो जाएगा हमारा, ये रेडियस जो है, तो एम से एस से कहाँ मूव कर रहे हैं, एम पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, इस एस से जो कि कितनी डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट पे कहाँ मूव कर रहे हैं, आर एम पे मूव कर रहे हैं, एस से आर वर्कडन कर रहे हैं, तो हमारे पास डेल्टा वी ये आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कहाँ लेंगे, सरफेस के बिल्कुल अंदर वाली पॉइंट पे, यहाँ पे, तो सरफेस के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वो ये लेंगे, ठीक है, तो इस केस में हम वर्क डन कर रहे हैं वी एम माइनस वी एस इंटीग्रेशन, लिमिट होगी हमारी कैपिटल आर से आर एम, ठीक है, एस से कहाँ मूव कर रहे हैं, जस्ट इस पॉइंट पे, तो कैपिटल आर से लिमिट कहाँ होगी हमारी, इस आर एम तक, यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो कैपिटल आर से आर की लिमिट होगी, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इनसाइड द स्फीयर, जो इसके अंदर पॉइंट ले रहे हैं बिल्कुल इनसाइड द स्फीयर, हम क्या यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे, तो देखो हम इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आर ले रहे हैं, और अंदर जो पॉइंट है
उसकी डिस्टेंस हम आर नहीं लेंगे, उसकी डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स बाय आर के क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर पॉइंट लिया है हमने, के क्यूब एक्स बाय आर क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि x से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इस साइड डी एक्स मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा v का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस केस में देखो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो vs की वैल्यू तो हमें पता है, vs की वैल्यू हमें पता है, क्या है vs की वैल्यू, k q by r है। ठीक है, हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपका ये रख कर देता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, वी एम माइनस वी एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, के क्यू बाय कैपिटल आर इक्वल टू माइनस, ठीक है, के क्यू बाय आर क्यूब, आपका क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, के क्यू बाय आर क्यूब। ये जो आर है ये क्या है, फिक्स है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन में, आर से आर एम, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय हमने आर की क्यूब बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे आर से क्या है, आर एम लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, ठीक है, अंदर आर एम का स्क्वायर बाय टू माइनस आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर एम का स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, के क्यू बाय आर की क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया। यहां से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो रहा है आर की क्यूब में एक, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर रहेगा। तो हमारे पास रहेगा के क्यू बाय टू आर, ठीक है, प्लस में ये सारा, सॉरी माइनस में ये सब। तो ये क्या है, के क्यू आर एम का स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर क्यू, किसकी वैल्यू है ये, वी एम माइनस के क्यू बाय आर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी एम, इस एम पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल क्या है। तो वी एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी एम की, ठीक है, वो क्या वैल्यू आएगी, ये इस साइड चला जाएगा के क्यू बाय आर प्लस का हो जाएगा, तो के क्यू बाय आर प्लस में ये के क्यू बाय टू आर, के क्यू बाय टू आर माइनस में यही सब, के क्यू आर एम स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर क्यूब। तो देखो ये जो है हमारे पास वन, और ये क्या है, हाफ, वन और हाफ क्या है, थ्री बाय टू, वन प्लस हाफ क्या हो जाएगा, थ्री बाय टू। तो ये आ जाएगा आपका थ्री बाय टू के क्यू बाय आर, ठीक है, माइनस के क्यू आर एम स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर की क्यूब। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास के क्यू बाय आर, अंदर यहाँ रह गया थ्री बाय टू माइनस आर एम स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो थ्री बाय टू, और यहाँ पे रह गया हमारे पास टू आर की क्यूब। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट पे, वी एम पॉइंट पे। नाउ
हमारे पास पोटेंशियल आया है वी एम पॉइंट पे, जो हमने क्या किया है कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। जिस पॉइंट की डिस्टेंस जो भी ले रहे हैं आर एम, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बाकी सब आपको वैल्यूज पता ही है, क्यू गिवन होगा, आर जो है वो क्या है फिक्स है। तो देखो इस केस में क्या होता है, हमारे पास एक तो ये है ठीक है, और एक जो है इसका ग्राफ है। तो अगर हम दोनों का ग्राफ ड्रा करें, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, हम क्या करते हैं दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारा v और ये हमारा डिस्टेंस जो है वो रेडियस r ले लेते हैं जो भी है, और ये हमारा है r और ये है w ठीक है। ये डिस्टेंस है हमारी, x ले लेते हैं इसको, ये भी डिस्टेंस है x ले लेते हैं इसको ठीक है। इस केस में करें अगर हम बात करें तो देखो p पॉइंट पे k q by r स्क्वायर था, s पे क्या था k q by s पे क्या था पोटेंशियल k q by r था ठीक है, और s पे पोटेंशियल k q by r था, और m पॉइंट पे पोटेंशियल जो है m पॉइंट पे वो भी क्या था k q by r m था, यानी k q by r था टोटल। तो इस पॉइंट पे s पे पोटेंशियल जो है, मैं राइट कर देता हूं एक बार सब वैल्यूज, इसी केस में पोटेंशियल vp जो है वो k q by स्मॉल r, पोटेंशियल वी एस जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या था के क्यू बाय कैपिटल आर, और इनसाइड एट एनी पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया वी एम, उसकी वैल्यू भी क्या थी के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इस केस में अगर हम यहाँ स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस क्या है आर है, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है के क्यू बाय आर रहता है, किसी भी पॉइंट पे कहाँ तक रहेगा इस रेडियस आर तक रहेगा, कितना रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर रहेगा ठीक है सरफेस तक, उसके बाद जो है डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा के क्यू बाय आर रहेगा, कहाँ तक रहेगा ये जब तक एक्स इक्वल टू क्या है इस आर के इक्वल है, उसके बाद ये किस पे डिपेंड कर रहा है वन बाय आर पे पोटेंशियल, तो उसके बाद जो है वो डिक्रीज हो रहा है वी, कैसे डिक्रीज हो रहा है ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा ये ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे हम पोटेंशियल जो ले रहे हैं वी पी वो कितना आ रहा है पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है के क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस पे पोटेंशियल क्या आ रहा है के Q by capital R, और M point पे potential जो आ रहा है हमारा ठीक है, M point पे potential जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ये आ रहा है ठीक है। M point पे अगर हम देखें जैसे ये आर एम डिस्टेंस इंक्रीज होती है, ये डिस्टेंस क्या हो रही है आर एम इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होगी आर एम, तो ये आर एम इंक्रीज होगी तो ये जो चीज है ठीक है ये इंक्रीज होने के बाद इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये चीज जो है वो क्या हो रही है डिक्रीज, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, इसमें से कुछ घटेगा तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी डिक्रीज। तो इस केस में हम लिख सकते हैं वी एम जो है वो देखो यहाँ पे माइनस है माइनस आर एम स्केयर, तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम माइनस आर एम का स्केयर एम पॉइंट पे ठीक है। तो मतलब क्या है जैसे हम r इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में ठीक है इस केस में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया वी एम इनवर्सली वी एम प्रोपोर्शनल माइनस आर एम का स्केयर। तो देखो उस केस में ड्रा करते हैं अगर हम, ये हमारे पास क्या है कैपिटल आर ठीक है, तो सरफेस जो है यहां पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है एक्स इक्वल टू आर, और सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो कितना होता है
के क्यू बाई कैपिटल आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, कंसीडर कर लो ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टेंस आर होगी यहाँ से लेके, जो भी डिस्टेंस है आर इंक्रीज हो रही है उस पर ये अप्लाई होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो यही होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और क्या है, ये डिस्टेंस जैसे ही आर एम इसकी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कोई भी अंदर जो है पॉइंट है आर एम, ये जैसे ही इंक्रीज हो रही है ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ग्राफ आएगा जो हमारे पास, वो कैसे आएगा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन डिक्रीज हो रहा है अगर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये डिक्रीज होके अगर जीरो आ जाए, अगर हम आर एम की वैल्यू क्या कंसीडर करें, जीरो, मैं यहां राइट कर लेता हूं, इफ आर एम जो है वो जीरो है, मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं इस सेंटर पे, ठीक है, इफ आर एम जीरो है सेंटर पे बात कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा सारा, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के क्यू आर बाय इंटू थ्री बाय टू। तो हमारे पास जो सेंटर पे आएगा पोटेंशियल वो क्या आएगा, अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, इफ आर एम जो है वो जीरो है इस केस में, ठीक है, देन वी एम जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, थ्री बाय टू के क्यू बाय कैपिटल आर आ रही है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये क्या है, के क्यू बाई कैपिटल आर है, ठीक है, इस पॉइंट पे, बट इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, थ्री बाई टू के क्यू बाई आर, मतलब थ्री बाई टू मतलब डेढ़ गुना ज्यादा है, वन एंड हाफ टाइम मोर, तो वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी सेंटर पे, वैल्यू जो है सेंटर पे इस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, के क्यू बाई आर इंटू थ्री बाई टू होगी। तो थ्री बाई टू है, जैसे जैसे आर एम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू कुछ आएगी ऐसे ऐसे आए, तो ये आपका ग्राफ आएगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम है थ्री बाई टू के क्यू बाई आर, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में हम आर एम को क्या पुट कर दें, जीरो, तो जैसे ही आर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये रिलेशन है, जैसे ही आर इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, उसके बाद ये रिलेशन आपका है। तो ये आपका हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का, डाइलेक्ट्रिक का। तो अभी हम एक एग्जांपल और करते हैं सफेरिकल सेल्स की ही, ठीक है, तो इस पूरा कर देते हैं, अभी एक एग्जांपल और करते हैं हम सफेरिकल सेल का, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल होगा आपका, ये कोई दो स्फेरिकल सेल्स हैं, इसकी रेडियस आर ए है और इसकी रेडियस क्या है, आर बी, ए और ये बी, ठीक है, कैसे स्फीयर्स हैं, टू होलो स्फीयर्स हैं, ठीक है, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी क्या है, चार्ज है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पोटेंशियल एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एट बी क्या होगा, और इनके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वी ए या फिर वी ए या वी बी, दोनों में से क्या कौन सा ज्यादा होगा, मतलब वी ए ग्रेटर होगा वी बी से और वी बी ग्रेटर होगा वी ए से, ठीक है, दोनों में से बताना है किस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज क्या है Q, इस पे Q A मान लेते हैं और इस पे Q B मान लेते हैं, चार्ज भी अलग अलग मान लेते हैं दोनों पे, तो क्या होगा, ए पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस केस जो स्फीयर ए है हमारा, ठीक है, ये स्फीयर हो गया हमारा वन और ये स्फीयर हो गया टू, स्फीयर वन का जो सरफेस है उस
के ऊपर है ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, वी ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ वन, इस वन का स्फेरिकल सरफेस होगा प्लस में वी जो है, ठीक है वी, ये किसकी वजह से होगा, इस जो बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है हमारे पास, ठीक है बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है हमारे पास उसके बाहर वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट ए, ठीक है, तो वी बी की वजह से, वी बी की वजह से होगा ये इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आएगा ए पॉइंट पे वो किसकी वजह से आएगा, इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, खुद के चार्ज की वजह से, क्यू ए चार्ज की वजह से ड्यू टू क्यू बी, इस पे पोटेंशियल क्या होगा ए पॉइंट पे, के क्यू ए डिवाइड बाय आर ए, इस पे चार्ज क्यू ए है, रेडियस क्या है आर ए, तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो कि सरफेस पे है पोटेंशियल हो गया ये, और इस स्फीयर की वजह से ये पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है, तो क्यू बी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू बी बाय आर बी, ठीक है, क्योंकि आर बी रेडियस ये है स्फीयर के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है, हमने प्रूव किया था तो लास्ट आर्टिकल में, तो इसके ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बी बाय आर बी, तो ये जो टोटल पोटेंशियल है वो किस पे आ जाएगा, ए पॉइंट पे, अगर हमें टोटल पोटेंशियल बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट पे, ठीक है, तो बी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू क्यू बी ऑन सरफेस, ठीक है, क्यू बी चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसकी वजह से होगा, प्लस ये जो स्फीयर है स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इस पॉइंट के बाहर ये बी पॉइंट है, इस स्फेरिकल सेल के बाहर बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट का, ठीक है, एट डिस्टेंस कितनी आर बी, इस क्यू ए चार्ज की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस, फर्स्ट का पोटेंशियल जो है, मीन क्यू ए का पोटेंशियल जो है कितनी डिस्टेंस पे, इस क्यू ए का पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पे होगा, आर बी पे होगा, तो देखो इसका जो पोटेंशियल आएगा पहले सबसे इसका बी पॉइंट पे, इसकी वजह से, इसके खुद की वजह से बी पॉइंट पे, ठीक है, ड्यू टू क्यू बी ऑन सरफेस, क्या आएगा पोटेंशियल, के क्यू बी डिवाइड बाय आर बी, इसके खुद के सरफेस पे इस क्यू बी चार्ज की वजह से ये आ गया, इस स्फीयर पे चार्ज क्यू ए है, के क्यू ए चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस पे है, आर बी डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल जो है वी बी वो कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया हमने, इसके बाद क्या है, अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वी ए ज्यादा होगा या वी बी, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू के क्यू बी बाय आर बी, के क्यू बी बाय आर बी, ये क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या, ये और ये, के क्यू ए, के क्यू ए भी सेम है, तो वी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ए के और आर बी के, तो जिसमें ये डिस्टेंस ज्यादा होगी वही उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम, डिस्टेंस ज्यादा किसकी है, आर बी की, ठीक है, आर बी जो है ग्रेटर है किससे, आर ए से, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जो है बी का वो कम होगा किससे, ए से, ठीक है, ए पॉइंट पे जो है पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, वी ए ग्रेटर होगा किससे, वी बी से, अगर हम यहाँ पे चार्ज रख दे कोई क्यू नोट, ठीक है, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दे यहाँ पे, तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो हायर से कहाँ मूव करेगा, लोअर, अगर हम इसके सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन रख दें तो वो कहाँ मूव करेगा, लोअर।